अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी टॉक्स के साथ आपका होस्ट चौधरी शबाज हाज़र है एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जिस प्रीसेंट में मौजूद हूँ, ये प्रीसेंट 16 जो कि 250 स्क्वायर यार्ड का प्रीसेंट है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और फिज़िकली इस प्रीसेंट के अंदर खड़े होकर आपको इंशाल्लाह इसकी अपडेट दूंगा। इसके प्राइस के हवाले से, मेन गेट से डिस्टेंस के हवाले से आपको अपडेट दूंगा, और सराउंडिंग में कौन से प्रीसेंट आ रहे हैं और इसकी लोकेशन के हवाले से और प्राइस के हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको डिस्टेंस के हवाले से अपडेट करता हूँ। मेन गेट से डिस्टेंस जो इसका बनता है ऑलमोस्ट, वो तकरीबन कोई 5 से 8 किलोमीटर के इन बिटवीन इसका डिस्टेंस बनता है अगर इसको मैयर करते हैं। लोकेशन बहुत आउट क्लास है, ग्रैंड जामा मस्जिद जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद और एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। इधर कैमरामैन आपको दिखाएगा इसका व्यू भी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू ग्रैंड जामा मस्जिद का यहाँ पे प्रीसेंट 16 के ईस्टर्न सर्विस रोड पे खड़े होकर हम देख सकते हैं। इस टाइम में ईस्टर्न सर्विस रोड जो कि प्रीसेंट 16 के अंदर लोकेटेड है, उसके अंदर मौजूद हूँ। डिस्टेंस के हवाले से आपको अपडेट दे रहा था, तकरीबन को 5 से 8 किलोमीटर के इन बिटवीन इसका डिस्टेंस बनता है। लोकेशन बहुत आउट क्लास है, एक साइड पे इसका व्यू ग्रैंड जामा मस्जिद आता है और जो मलिक रियाज साहब के बेटे अली मलिक हैं उसका जो अली विला है वो बिल्कुल इसी को फेस करता हुआ, प्रीसेंट 16 को फेस करता हुआ विला है। उसकी भी आपको इंशाल्लाह शोएब भाई आपको कैमरामैन जो हैं वो आपको दिखाएंगे फिज़िकली उसका व्यू यहाँ से कैसे नज़र आ रहा है। इसके अलावा प्राइस के हवाले से आपको अपडेट करता जाऊं तो प्राइस बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड का इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर मैं समझता हूं कि अगर इस प्राइस के अंदर मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स रात के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। और जो एंड यूज़र है जो अपना घर बनाना चाह रहा है बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मीन के प्राइस जो स्टार्ट होती है वो तकरीबन को 50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और अप टू 70 लाख के इन बिटवीन हमें यहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाता है। मीन के जो प्राइस का वेरिएशन आएगा वो प्राइस का वेरिएशन इस तरह आएगा कि जो मेन जो उजरा एवेन्यू है उसके सराउंडिंग में जो आपको प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन 50, 55, 60 और 70 के इन बिटवीन मीन के जिस लोकेशन के ऊपर इस टाइम मौजूद हूँ, ये सबसे हाइटेड और मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है प्रीसेंट 16 की। तो यहाँ पे जो आपको प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन कोई 65 और 60 और 65 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर फेसिंग पार्क जहाँ पे जो आपको प्लॉट मिलता है वो भी तकरीबन कोई 60 से 65 लाख रुपए तक आपको अच्छी और हाईटी लोकेशन पे प्लॉट मिल जाता है, और नॉर्मल लोकेशन का आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन कोई 50-55 लाख रुपये तक भी आपको मिल जाता है। प्राइस का वेरिएशन मीन के इस तरह से है, कॉर्नर फेसिंग पार्क या हाइटेड लोकेशन के ऊपर जो प्लॉट है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, और पोजेशन और यूटिलिटी मीन के जिस प्लॉट के पेड होंगे वो नॉर्मल प्लॉट से आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिल रहा होता है, मीन के उसमें उसके पैसे इंक्लूड हो जाते हैं पोजेशन और यूटिलिटी के। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको अपडेट दूं तो इस प्रीसेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि डिफरेंट इस टाइम जो घर हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, और कुछ एक दो घर ऐसे हैं जो बिल्कुल फिनिशिंग होने के बाद एक दो फैमिली यहाँ पर मूव हो चुकी हैं, मीन के यहाँ पर रहायश पजीर हैं, मीन आके अपनी लाइफ को इस प्रीसेंट के अंदर इंजॉय कर रही है। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है, जिस जब से बैरियर टाउन ने इस प्रीसेंट के अंदर पोजेशन दिया था उस टाइम से यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है। मीन के सबसे ज़्यादा प्रीसेंट 1 से जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, मीन के प्रीसेंट 1 के अलावा सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो 250 स्क्वायर यार्ड में हुई है वो इसी प्रीसेंट 16 और प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 8 प्रीसेंट 16 प्रीसेंट 6 और 8 में इस वजह से बेस्ट समझता हूँ कि ये मेन जना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है। जो बैरियर टाउन का 400 फीट वाइड रोड है ये बिल्कुल उसी के ऊपर लोकेटेड है। व्यू बहुत अच्छा है, ग्रैंड जामा मस्जिद का जो ऑलरेडी आपको बताया है, अली विला मलिक रियाज का उसको फेस करता हुआ ये प्रीसेंट है, और प्राइस बहुत रीज़नेबल है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, इसके अलावा सराउंडिंग में जो प्रीसेंट आ रहे हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करता हूं। तो इसके सामने बैरिया हिल्स आता है, जहां से आप देख भी सकते हैं बैरिया हिल्स अली विला जो है ये बिल्कुल उसी के अंदर मीन के उसी प्रीसेंट के अंदर ही ये लोकेटेड है अली विला जो है।
बैरियर हिल्स को ये फेस करता हुआ ये प्रेजेंट है। इसके अलावा सराउंडिंग में इंटरटेनमेंट के हवाले से यानी कि कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें आपको इंटरटेनमेंट के हवाले से मिलती हैं, जिस तरह ये डेंजू और एडवेंचर लैंड थीम पार्क जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल इसके सराउंडिंग में है। और इसके अलावा प्रीसेंट 28 के अंदर डांसिंग फाउंटेन वो इसको बिल्कुल विद इन 5 मिनट के ड्राइव के ऊपर लोकेटेड है। इंटरटेनमेंट के हवाले से ही बहुत अच्छा है। पार्क्स आलमोस्ट इंशाल्लाह इसके जैसे जैसे आबादी आती जाएगी इसके पार्क्स डेवलप होते जाएंगे। मज़ीद कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड या इस प्रीसेंट के हवाले से आपको कोई भी मज़ीद आपकी क्यूरी होती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपने होस्ट चौधरी शबाज़ को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।